और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में भूतों की इतनी वैरायटी है। डेविल बेबी फादर ऑफ घोस्ट, वैसी औरतें वैसी चुड़ैल, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने भी अटैक कर रखा है। रुको, ज़ैन ऐसे नहीं करो, रुको इधर। तो हेलो टू फैमिली, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज है ऐसे ही वीडियो पर, ऐसे चैनल पर कि आप उस चैनल को सभी जानते हो, सभी जानते हो, और वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद वीडियो में देख लेना, वीडियो में एंड तक बने रहना। और इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे चैनल के। ओके गाइस, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रेडी। तो कैसे हैं आप लोग? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रू आ गई तो तुम किसको बुलाओगे? घोस्ट हंटर्स, पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स। लेकिन सबसे ज्यादा भूतों से उन्हीं की फटती है, इनके कान में फूंक भी मार दो। भाई साहब कैरी भाई, भूतों की इतनी वैरायटी है। डेविल बेबी फादर ऑफ घोस्ट, वैसी औरतें वैसी चुड़ैल, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने भी अटैक कर रखा है। रुको, ज़ैन ऐसे नहीं करो, रुको इधर। कमीज के नीचे चड्डा पहन रखा है। ऐसे ज़ॉम्बी हर ठेके के बाहर मिल जाएंगे। बिग फुट येटी फाउंड इन पाकिस्तान। बस तेरे पीछे कोई थी ना, ओए बिगफुट दिखाई दिया, मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें। चुपाकाब्रा फाउंड इन लाहौर। भाई कैरी मिनाटी है ना भाई, एक नंबर गांड हार्ड वीडियो बनाता है। आज हम पता लगाएंगे कि क्या उस काले साए में कुछ होता है या नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। अरे अरे क्या कर रहे हो बिना किसी बकचोदी के? ओह जो भी कर रहे हो करते रहो। यहाँ से लोग जब गुजरते थे ना खौफ ज़दा हो जाते थे, कुछ महसूस होता है ना। मुझे कुछ ऐसे लगा है कि किसी ने मुझे पकड़ के खींचा है। इनकी पर्सनैलिटी पैरानॉर्मल है, हवा नहीं चल रही है, कोई ने खींच रहा है, अटैक नहीं आ रहा है, कोई इनकी छाती पे नाच रहा है, अस्थमा का मरीज होगा उसको जिन घोषित कर देंगे। हम इस जगह का विजिट करना चाहते हैं, आपका कोई बच्चा कोई फैमिली मेंबर। इतनी घमासान गांड फट रही है तो कर क्यों रहे हो? हर दो दो सेकंड में कुछ एहसास और महसूस होना शुरू हो जाता है। और बकचोदी देख लो, तीनों अलग दिशा में देख रहे हैं। और जो साइड में शूरवीर फीमेल घोस्ट हंटर है, वह विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनना चाहती है। मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हूँ, जिससे हो गया नाइट आउट। एक्टिविस्ट से मंत्री बना दे, अभी तो भूत दिखाई भी नहीं दिया है, ऐसे कौवे मारने वाली चीखें मार रही है। तो भूत पकड़ने के लिए डायन कौन ले जाता है? ये बात है, ये कौन दुबई से भागा हुआ मजदूर है? इधर जैसी थूत बना रखी है, ये क्या दुबई से? भूत खुद सहमा हुआ लग रहा है। और घोस्ट हंटर की आवाज है, सुन लो, ऐसा लग रहा कोई बुड्ढा सेक्स कर रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीन है। कौन कहता है? ये मेरा घर है और यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे कैसे खेल रहे हैं? भूत है कि रैपर? दुनिया को हम कैसे तैसे झेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। रहूंगा वहीं है तू जहाँ पे। मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, हम चले जाएंगे। आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है, ये तो इनकी जमीन है। भूत के कान कमजोर हो रखे हैं, अगर तुम मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसे बात नहीं मानेगा। ये पाकिस्तानी पाब्लो एस्कोबार डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाह रहा है, पर तो कुछ रहा नहीं है, बस उंगली घुमा लो। और जब भैया घोस्ट हंटर चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भसम हो रहा है। अरे भूतनी के क्यों भूतों की इज्जत डुबा रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे यहाँ से हमसे? 100 भैंसों का गोश्त चाहिए। नहीं मुझे 50 भैंसों का खून। नहीं 50 नहीं चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं। मुझे लगा ये भूत पकड़ने आया, यहाँ तो सौदेबाजी चल रही है। घोस्ट हंटर प्रॉपर्टी डीलर भी है, 100 से 50 पे ले आया। यार की तरह दिखा रहा जैसे गोली मार देगा। जरा सोचो, जब सब रात को घोड़े बेच के सो रहे हैं तो दुनिया के किसी कोने में ऐसी भेड़ी नौटंकी चल रही है। नहीं मत बढ़ो, मत सुनो। हाँ
एक भैंस, एक भैंस भी नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बकरा यहाँ पे, क्या ये कबूल है आपको? हाँ। एक भैंस भी नहीं, बकरे में निपटा दिया। ऐसा नाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ जो मरने के बाद भी नुकसान में जी रहा है। ऐसे सस्ते बिकाऊ लोग नहीं पसंद। अच्छा तो आर्टी फॉक्स लाया है दिवाली सेल, जैकेट्स, हुडीज, बैग। तो गाइस आपने वीडियो तो देख ली होगी, तो आपको पता चल गया ही होगा कौन किसकी बात कर रहे थे वीडियो के बारे में। वो हैं अपने कैरी मिनाटी। तो कैरी मिनाटी भाई साहब एक नंबर वीडियो बनाते हैं भाई साहब, सबकी एक नंबर वीडियो बनती है क्योंकि भाई उनकी मेहनत भी होती है भाई। और भाई इतना तगड़ा रोस्ट करा ना भाई, मजा आ गया भाई, हंसते हंसते मजा आ गया भाई साहब। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। और ये पाकिस्तान वालों का बताना कैसे हैं, इनको कैसे रोस्ट करा, बढ़िया कराया बेकार करा, ये भी कमेंट में बताना। ओके गाइज, तो फिर जय हिंद जय भारत।